नमस्कार, आप सबों को बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आपके बीच टाइम नेटवर्क का पार्ट 3 लेकर आए हैं। चलिए हम पहले सवाल लेकर चलते हैं कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे 24 दिनों में, तथा सी उसे 20 दिनों में कर सकता है। तीनों साथ साथ काम करना शुरू करें, तीनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 3 दिन बाद तथा बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, तो पूरे काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? हिसाब क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन इतना बड़ा और हल इतना में होगा। देखते हैं, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो ए बी और सी, इसे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 में आप देखे होंगे कि जब हम किसी भी टाइम एंड वर्क का जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना चाहिए, टोटल वर्क। तो मैं बताया था एक बार, टोटल वर्क क्या होता है, TW = टाइम को हम जब एफिशिएंसी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमें टोटल वर्क फाइंड होता है। अगर टोटल वर्क फाइंड हो गया तो मामला मेरा बहुत ही आसान हो जाता है, यह बात को समझ लें। तो चलिए, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, केवल दिया हुआ है टाइम दिया हो कि कितने दिनों में वो कर सकता है, बट टोटल वर्क दिया हुआ नहीं है ना, तो एफिशिएंसी दिया हुआ है, हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं कि ए कितने दिनों में करता है, एफिशिएंसी क्या होगा भाई। तो ए कितने दिनों में करता है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं साहब बढ़िया से कि ए 15 दिनों में कर सकता है और ए कितने दिनों में करता है, बी से 24 दिनों में और सी से 20 डेज में समाप्त कर देता है जब अकेला काम करता है तो, लेकिन जब तीनों एक साथ काम करना शुरू कर देता है तो सबसे पहली बात यह है कि अभी मैंने बताया, मैंने कहा कि जब किसी भी टाइम एंड वर्क का जब प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं तो टोटल वर्क हमें फाइंड होना चाहिए। जब तक टोटल वर्क फाइंड नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत जटिल हो जाएगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ 15 डेज 24 डेज एंड 20 डेज का हमें फाइंड करना पड़ेगा एलसीएम। तो कितना हो सकता है, 15 3 5 15 और 24 5 कितना होगा 20 से और 120 का और 20 का एलसीएम 120, यानी 120 एलसीएम निकल गया, ये टोटल काम मेरा निकल गया। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जब हम इससे भागा देंगे 15 से, जब 20 में 120 भागा देंगे तो इसका एफिशिएंसी, इसका कैपेसिटी करने का काम क्या होगा एक दिन का, तो 15 और 20 से 8, 24 25 20 से 5 और 20 6 20 से निकल गया। अब कहता है क्या, आगे हम देखेंगे कि ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ देता है, 3 दिन बाद, इसका मतलब इन्होंने 3 दिन तक काम किया और काम करना बंद कर दिया, तो 1 दिन का 8 काम है भाई, तो 3 दिन का कितना हो सकता है, 24 काम को 120 में 24 काम हो गया। बी भी वही काम करता है जो ए किया, 4 दिन के बाद छोड़ता है, तो ए का 1 दिन का काम है 5, तो 4 दिन का 20, तो 5 कितना हो गया भाई, 20 काम यहां और 24 काम यहां, टोटल कितना हो गया भाई, 20 और 24 44 काम फिनिश हो गया। तो 120 में 120 काम में हम 44 घटा देंगे तो कितना बच सकता है, 6 और 7। अब करेगा कौन काम, इस काम को पूरी तरह से समाप्त कौन कर सकता है, सी, तो सी का एफिशिएंसी क्या आ गया, 6, बस इसे लाइन नीचे और डिवाइड कर देंगे, काट लिया इसमें आंसर आ जाएगा मेरा 2 × 3 = 6 और 38 × 76, जब 38 में भागा देंगे हम 3 से तो कितना आ सकता है, 12 × 36 रिमाइंडर आएगा 2, तो कितना जाएगा 12 × 2/3 डेज, ये मेरा आंसर निकल के फिनिश हो गया। अब क्या है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करता है, क्वेश्चन हर क्वेश्चन को डिफरेंट हम लोग देख रहे हैं, ए प्लस बी यानी ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करता है, चलिए भाई 20 दिनों में करता है, और बी और सी फिर आ गया बी प्लस सी, इसे कितने दिनों में करता है, तो बी प्लस सी 24 दिनों में करता है, चलिए भाई 24 दिनों में करता है, और ए प्लस सी कितने दिनों में काम करता है, तो 30 दिनों में काम करता है भाई,
30 दिनों में करता है, तो अब कह रहा है क्या, इसमें क्वेश्चन फिर डिफरेंट आ गया। कह रहा है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी और ए प्लस सी दो दो आदमी मिलकर काम कर रहा है, उसमें तो अकेला की बात था। अब इसमें क्या है, अब इसमें है क्या कि सबसे पहले हमें क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे टी डब्ल्यू। चलिए भाई क्या है, तो इसका एलसीएम यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा इसमें, मतलब हम दो से काटते हैं तो दो दें 20, चार से नहीं कर सकता, चार पच्चे 20, 24 पच्चे 20 से 120 और 30 का एलसीएम 120। अब यहाँ पर है क्या, पूछता है क्या ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर डबल डबल आदमी है, तीनों मिलकर कह रहा है, तो इसका एफिशिएंसी निकाल लो, 20 छक 20 से, 24 25 20 से और 30 छक 20 से। इसका मतलब है कि इसमें भी ए प्लस बी है, इसमें बी प्लस सी, ए प्लस सी, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी है और ए प्लस सी का एफिशिएंसी है। यदि हम सबका अगर जोड़े हैं, छह सबका एफिशिएंसी यदि हम जोड़ते हैं तो 6 5 11 11 से कितना हो 15, किसका एफिशिएंसी हुआ, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो यदि हम जोड़ेंगे इसमें ए और ए कितना है, दो है, ये 2a है तो 2a, बी कितना है 2b, आप प्लस कितना हो गया 2c का एफिशिएंसी कितना हो गया भाई, 6 5 11 11 कितना हो 15 हो गया। बट हमें निकालना है कि पूछता है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का हमें एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी, दो यहाँ भी, दो कॉमन ले लेंगे, जब दो कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है भाई, दो कॉमन ले लेंगे इसका मतलब दो के 15 के नीचे आ जाएगा 15/2। तो जब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया 15/2 तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, इस एफिशिएंसी से भागा दे देंगे, टोटल टोटल वर्क में भागा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई 120 में भागा देंगे कितना से, 15/2 से, तो जब 15/2 से भागा देंगे तो जाएगा ऊपर 15 20 से 8 16 डेज में समाप्त कर देगा भाई, 16 डेज में समाप्त कर देगा। चलिए भाई हम लोग आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल क्या है, फिर डिफरेंट सवाल है, आपकी बार कुछ नया सवाल, नया चीज हम लोग को देखने को मिलेगा सवाल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, ए बी और सी किसी काम को 10 दिनों में, 20 दिनों में, उसके बाद तथा 30 दिनों में करता है। अब इसमें है क्या, यदि तीनों मिलकर काम शुरू करें लेकिन एक काम पूरा होने के एक दिन पहले, आपकी बार इससे पहले आप लोग देख रहे हैं कि काम कुछ दिन करके छोड़ देता था, छोड़ के चला गया, लेकिन आपकी बार है कि काम समाप्त होने से पहले ही भागा है। चलिए भाई, तो कह रहा है लेकिन ए काम पूरा होने के एक दिन पहले तथा बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए भाई सबसे पहले हम सबका एफिशिएंसी निकालेंगे, अभी सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे टी डब्ल्यू, तो 10 और 20 का एलसीएम 20 और 20 और 30 का एलसीएम कितना हुआ 60, 10 6 60, 20 3 60 और 30 2 60, बिल्कुल आप देख रहे हैं। तो सबका एफिशिएंसी निकल गया, ए का कितना हुआ 6, बी का 3 और सी का 2। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एक बात हम ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जब कोई भी व्यक्ति यदि काम समाप्त होने से पहले भागता है तो काम जितना वो काम छोड़ के भागा वो काम इसमें आके एड हो जाएगा। अब देखिएगा, काम समाप्त होने से पहले भागा है तो इसमें पहले की बात जब रहे तो इस काम में जो हम लोग निकाले हैं इसमें आके जुटेगा, और छोड़ के जब भागा है इसका मतलब है कि जब बाद की बात आए 3 दिन बाद करके छोड़ के चला जाता है तो इसमें माइनस होगा। पहले अगर छोड़ के जाता है काम समाप्त होने से पहले तो काम जुटेगा, और बाद की जब बात हो तो यहाँ पर माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पर वही सवाल है, वही बात है कि कहता है कि एक काम पूरा होने के एक दिन पहले, तो एक दिन का काम उसका क्या है, आप देख सकते हैं एक दिन का काम इसका क्या है, 6 काम है, पहले भागा है तो 6 जुटेगा इस काम में,
आगे देख लीजिए, कहता है कि बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, तो बी का 1 दिन का काम है 3, तो 3 दिन पहले भागा भागा है, तो 3 दिन का काम कितना हुआ, 3 दिया 9 आगे इसमें जुटेगा, जुट गया, तो टोटल काम कितना हो गया भाई, 9 6 15 8 75, टोटल 75 काम है। उसके बाद अब है कि सब का एफिशिएंसी से जोड़ जोड़ के भागा करेंगे, कितना हो गया भाई, 6 3 9 9 2 11 11 हो गया। चलिए भाई इसको भाग, अब कहता है क्या है लास्ट में कि तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। चलिए भाई तो हम लोग इसमें 6 3 9 2 11 से भागा देंगे कितना हो गया, 11 6 66, यदि हम भागा देंगे इसे 66 से भागे कितना आएगा, 9 रिमाइंडर, अब भाई 11 100 गुणा 9 बटे 11 डेज में काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, 6 गुणा 9 बटे 11 दिन में। तो अब ये देखें कि जब पहले की बात हो तो काम यहाँ पर आके जुट जाएगा और जब बाद की बात हो तो काम में माइनस होता है। चलिए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। अब की बात है पहले और बाद की बार मिलने जा रहा है, इसमें पहले भी काम समाप्त होने से पहले भागता है और काम कुछ दिन करने के बाद भागता है, तो इसमें क्या करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों में 15 दिनों में तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। ए बी और सी, ए करता है 10 दिनों में ए और बी करता है 15 दिनों में और सी करता है 12 दिनों में। सबसे पहले टाइम एंड वर्क में सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क फाइंड करेंगे। तो कैसे निकालेंगे टोटल वर्क, कैसे फाइंड होगा, तो एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, किसका, ए बी और सी का। चलिए भाई 10 15 और 12 का एलसीएम, 5 × 10 5 × 10 तो 15 × 30 दोनों का एलसीएम 30 और 30 और 12 का एलसीएम, 30 और 12 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा भाई, 6 × 12 = 30 × 60 हो जाएगा, टोटल काम निकल गया 60। एफिशिएंसी निकालेंगे 10 6 60, 15 4 60 और 12 5 60। अब आगे सवाल क्या कहता है कि लेकिन एक काम शुरू के लेकिन एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद, अब की बार बात की बात आए तो काम घटेगा, पहले भी जुटता था तो एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद भागा है काम को छोड़कर, तो ए जो है ए का एफिशिएंसी है 6, 1 दिन का काम है 6 काम, तो ए जो है 2 दिन के बाद 2 दिन काम करके भागा है, तो 2 दिन का काम कितना होगा भाई, 1 दिन का काम है 6, 2 दिन का काम 12 घट जाएगा। अब आगे देखते हैं, उसके बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले, पहले की बात है काम जुटेगा, तो बी का 1 दिन का काम कितना है 4, तो +4 कर देंगे, तो छोड़ के भागा कौन, ए भाग गया, इसका एफिशिएंसी को देखना नहीं है, बच गया कौन कौन, बी और सी। अब है कि अब इसी को हम जरा सिंपलीफाई करेंगे, 60 4 64 और 64 में घटाएंगे 12, यदि हम 64 में यदि 12 घटा देते हैं तो 52 आ जाता है, तो 52 काम बच गया, तो अब है इस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, छोड़ के तो भाग गया है ए। अब है कि 4 और 5 जब हम जोड़ के इसका एफिशिएंसी बी और सी का जब जोड़ के हम भागा देंगे तो पता चल जाएगा कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए भागा देते हैं भाई, 9 5 45 5, रिमाइंडर कितना आया 7, 5 × 7/9 डेज में काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, 5 × 7/9 दिन।